हेलो बच्चों आज हम इंट्रीगल की जो कि बात कर रहे थे उसकी फिर बात कर रहे हैं क्योंकि बात बहुत लंबी चल रही है ठीक है ये एन सी आर टी सेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू तक हम डिस्कस कर चुके हैं देखिए क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल है हमने साइनिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उसमें हमने साइनिक्स का इंट्रीगल पढ़ा है अब ये ना कहना क्या होता है हमने कॉज एक्स का इंट्रीगल पढ़ा है हमने सेक स्क्वायर एक्स का पड़ा है हमने कॉसिक स्क्वायर एक्स का पड़ा है कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं तो हमें बताया गया एक साइन एक्स का इंटीग्रल है तो साइन एक्स ही होना चाहिए उसका इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है हाँ एक छूट आपके लिए है कि अगर यहाँ पर साइन ए एक्स हो तो यहाँ कॉज ए एक्स हो जाएगा और ये जो ए है ना वो अपान में आ जाएगा इतनी छूट आपके लिए है लेकिन कुछ और है कोई और चीज़ दी है स्क्वायर दिया है क्यूब दिया है तो वहां पर ये इंटीग्रल नहीं चलेगा वहां पर कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी कुछ ट्रिगामेटिकल फार्मूले लगाने पड़ेंगे यानी इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा ठीक है तो उसके लिए कुछ फार्मूले पहले हम बता देते हैं उन्हें आप पहले से एलेवेंथ में पढ़ चुके हैं टू साइन ए कॉस बी टू कॉज ए साइन बी टू साइन ए साइन बी टू कॉज ए कॉज बी ये फार्मूले हम पढ़ चुके हैं साइन टू ए के फार्मूले पढ़ चुके हैं साइन सॉरी कॉज टू ए पढ़ चुके हैं साइन थ्री ए पड़ चुके हैं कॉज थ्री ए पड़ चुके हैं ये फार्मूले हम अप्लाई करेंगे हम फार्मूले नहीं लिखने जा रहे हैं ठीक है इसके लिए आप ट्रिगोमेटी का हमारा एक वीडियो है उसमें बहुत सारे फार्मूले बहुत सारे फार्मूलेज हमने उसमें दे रखे हैं उसका लिंक हम दे देंगे उसको देख लीजिएगा तब इसको, इसको स्टार्ट करिएगा ठीक है तो हम डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री आपको इंटीग्रल करना है साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव आई इज इक्वल टू इंट्रीगल साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव अभी हम बता चुके हैं कि आप कॉज एक्स का इंट्रीगल कॉज टू एक्स कॉज थ्री एक्स कॉज ए एक्स कुछ भी कर सकते हैं एंगल के मल्टीपल में कुछ भी लिख सकते हैं पावर में आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉज स्क्वायर एक्स का एंट्रीगल आए जब भी उसको आपको कॉज टू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब इसको फिलहाल आप मन में मान लो कि कॉस टू एक्स लिखा हुआ है तो आप जानते हैं फॉर्मूला कॉस टू एक्स का मतलब टू एक्स प्लस फाइव ये मैंने इसको थीटा मान लिया तो इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव यानी अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा या कॉज स्क्वायर एक्स का एंट्रीकल होगा उसको कॉज टू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से इस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो साइन इसको इधर लेके आते हैं तो टू साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो वन माइनस कॉस ये क्या लिखा है आप लिखें लिखा है फोर एक्स प्लस टेन तो इस टू को हटाइए और यहाँ आप टू में लिख दीजिए तो आपने क्या देखा आपने कहा भाई ये साइन स्क्वायर जो लिखा है ना इसको ये लिखा जा सकता है रख दो सो आई इज इक्वल टू इंट्रीगल वन माइनस कॉस फोर एक्स प्लस टेन डी एक्स और ये वन बाई टू हमने बाहर कर दिया वन बाई टू ये हो गया वन का इंट्रीगल एक्स हो गया माइनस देखिए कॉज एक्स का इंट्रीगल साइन एक्स होता है आपके लिए छूट क्या हमने बताई थी? कि अगर यहाँ ए एक्स प्लस बी है तो इसको आप मन में एक्स मान सकते हैं और इस ए एक्स का जो ए है ना जिसको फोर कह रहे एक्स प्लस टेन तो यह आपका इंट्रीगल हो गया प्लस सी तो इस प्रकार से आप साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव का इंट्रीगल कर सकते हैं। एक सेकेंड आप नोट कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को हमेशा 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 साइन कॉस टू थीटा में ब्रेक करना यह ध्यान रखिएगा सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंट्रीगल साइन थ्री एक्स इंटू कॉज फोर एक्स साइन थ्री एक्स इंटू कॉस फोर एक्स डी एक्स अब आप कहेंगे भाई साइन एक्स का इंटीग्रल तो मुझे मालूम कॉज एक्स का इंटीग्रल तो मुझे मालूम लेकिन मल्टीप्लाई का इंटीग्रल हमको नहीं मालूम और मल्टीप्लिकेशन रूल हमने बताया भी नहीं अभी और ये अप्लाई यहां होगा भी नहीं तो आप क्या करें तो हमारे पास फार्मूला है टू साइन ए कॉज बी का एस टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सो अच्छा यहां टू से मल्टीप्लाई कर दें और टू से डिवाइड कर दें सो टू साइन थ्री एक्स इन टू कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू देखिए ये ए हो गया ये एंगल बी हो गया एक सेकेंड तो ये हो जाएगा आपका साइन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स यानी ये हो जाएगा साइन सेवन एक्स प्लस साइन माइनस एक्स ये टेगामेटिकल आइडेंटिटीज है ये आपको याद करनी पड़ेंगी याद करनी ही पड़ेंगी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा साइन सेवन एक्स माइनस साइन एक्स तो ये आपकी वैल्यू इसकी आ गई तो यहां पर रख देंगे आप ये वैल्यू साइन सेवन एक्स माइनस साइन एक्स लिख दो so, I is equal to one by two है, ये हो जाएगा साइन साइन माइनस इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा वन बाई टू हम जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है और एक्स की जगह अगर ए एक्स है जो कि सेवन यहां पर है वो वन अपान बाहर हो जाएगा तो माइनस वन अपान सेवन सेवन एक्स माइनस माइनस प्लस सी इसका ब्रैकेट चाहे खोल सकते हैं और चाहे यहीं पर लिख सकते हैं और ब्रैकेट चाहो तो वन बाई टू को अंदर ले जा सकते हो तो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद थर्ड देखिए इसको नोट कर लीजिएगा ये बहुत सारे फार्मूले होंगे इन्हें आपको याद करना पड़ेगा टू साइन ए b बी टू, साँन टू कॉज ए साइन बी टू साइन ए साइन बी टू कॉज ए कॉज बी ये फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ट्रिगोमल्टी के कॉन्सेप्ट में इंटीग्रल नहीं हो पाते ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स अब आप कहेंगे दादा दादा इतना तो तीन तीन मल्टीप्लाई हो गए तो अब ठीक है टू ए कॉज भी हमारे पास फॉर्मूला होता है तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे हम फिलहाल अपनी तरफ से चाहें तो टू से मल्टीप्लाई कर दें और टू से डिवाइड कर दें यहीं पर तो टू कॉज टू एक्स इं टू कॉज फोर एक्स कॉज सिक्स एक्स आपको इसे अलग अलग करना पड़ेगा फॉर्मूला टू कॉस ए कॉस बी का होता है तीन फंक्शन का नहीं होता है तो हमने इन दो को एक साल लिखा और इसको अच्छा हो दिया और यहां टू ए कॉस बी लगा दिया टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो ये हो जाएगा आपका कॉस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स माइनस फोर एक्स ये तो आपका ये ब्रैकेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होगा और ये कॉस सिक्स एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा अब ब्रैकेट खोलिए <coughs> तो ये हो जाएगा कॉस ये क्या आएगा सिक्स एक्स प्लस कॉस ये आएगा माइनस टू एक्स और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो ये प्लस में ही रहेगा कॉस टू एक्स और बाहर लिखा है कॉस सिक्स एक्स अब इसको अंदर ले आओ तो देखिए कॉस सिक्स एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स इन टू कॉस एक्स अब जरा देखिए ध्यान से यहां पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं एक तो तरीका यह होता है कि भाई ये कॉज स्क्वायर एक्स सिक्स एक्स है और अभी हमने बताया कि कॉज स्क्वायर एक्स को इंटीग्रल करने के लिए हमको कॉज टू एक्स में चेंज करना पड़ेगा नहीं कॉज ट्वेल्व एक्स पे चेंज करना पड़ेगा या हम टू से मल्टीप्लाई कर दें यहां भी और यहां भी चाहे इतना कहे दिमाग लगाए और यहां टू से डिवाइड कर दें तो इसको टू कॉज ए कॉज भी यहां लगा दें और टू काज ए कॉज भी यहां लगा दें वही ज्यादा ठीक रहेगा तो वन बाई टू ये बाहर हो गया टू कॉजे कॉज भी क्या होगा कॉज सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स कॉज ए माइनस बी यहां भी टू कॉज कॉस भी लिखा दे वन बाई टू पूरे में बाहर लिखा है तो लिखा नहीं दें प्लस कॉस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स जरा देखिए ध्यान से वन बाई टू यह लिखा है कॉस ट्वेल्व एक्स प्लस ये लिखा है कॉस जीरो जीरो वन होता है तो ये वन लिख देते हैं प्लस ये लिखा है कॉस एट एक्स कॉज माइनस फोर एक्स होगा और कॉज माइनस थीटा प्लस कॉज थीटा होता है तो ये हो जाएगा प्लस कॉज फोर एक्स तो हमने देखिए अलग अलग कर दिया सबको अब उठा करके यहां पर रख दीजिए उल्लू तो लिखेंगे सो आई इज इक्वल टू ये नोट कर लीजिएगा <coughs> सो आई इज इक्वल टू देखिए वन बाय टू पहले से था और एक वन बाय टू बाद में आया है इसकी जगह क्या ले सकते हैं इसको लिखेंगे कॉज ट्वेल्व एक्स प्लस वन प्लस कॉज एट एक्स प्लस कॉज फोर एक्स डी एक्स जैसा कि हमने बताया कि कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है और एक्स की जगह अगर ए एक्स है तो वह वन अपान ही बाहर हो जाएगा तो वन बाई फोर तो पहले से बाहर है यहां वन अपान ट्वेल्व बाहर साइन ट्वेल्व एक्स वन का इंटीग्रल एक्स होगा ये वन अपान एट बाहर साइन एट एक्स प्लस वन अपान फोर बाहर साइन फोर एक्स प्लस सी इस प्रकार से ये इसका छोटा सा नन्हा सा इंटीग्रल है ठीक है इसको नोट कर लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए फोर्थ लगाने ध्यान से समझिएगा कई तरीके इसके हैं जो एक तरीका हम बताने जा रहे हैं देखिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन है देखिए इसके दो तरीके हमने कहा साइन एक्स का इंटीग्रल मालूम साइन ए एक्स का इंटरगल मालूम यानी एक्स का मल्टीपल अगर हो अगर एंगल एक्सो टू एक्स थ्री एक्सओ फाइव चलेगा पावर नहीं चलेगा देखिए दो तरीके इसके हैं। या तो इसको साइन थ्री एक्स में ब्रेक कर दें हम, एक तरीका होता है या दूसरा तरीका यह है देखिए हम चाहें तो एक साइन अलग कर दें एंगल से कोई मतलब नहीं है एंगल लिखा हुआ है और जो दो पावर बची हैं, उन्हें अलग कर दें कर सकते हैं जब भी ऑड पावर हो उसका यह तरीका हर जगह साइन की पावर ऑड जो भी लिखी हो मान लिया आपके पास टू पावर फिफ्टीन एक्स डी एक्स लिखा है तो डरिएगा नहीं एक साइन अलग कर दो अब बचेगा साइंट पावर फोर्टीन एक्स पावर 14 फोर्टीन को लिख दो साइंट पावर टू एक्स होल्ड पावर सेवन साइन स्क्वायर एक्स और इसको कॉज में कन्वर्ट कर दो कॉज को टी मान लो ये सिंपल सा तरीका होता है चूंकि तरीका आर्ट की पावर का सब जगह अप्लाई करेंगे इसलिए हम यहां अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या करेंगे भाई आप कहेंगे अगर यहां पर कॉज में इसको कन्वर्ट कर दें और कॉज को टी मान लें तो उसका डिफरेंसिएशन प्रेजेंट है डिफ्रेंसिएशन क्लियर होना चाहिए तो हमने यहां क्या किया लेट सॉरी अभी लेट नहीं इसको लिख दिया वन माइनस कॉज स्क्वायर टू एक्स प्लस वन देखिए बहुत लोग इसको टी पहले से मान लेते तो ये हो जाता साइन क्यूब टी बाद में पूरा कार्यक्रम टी मान के ही लगाते हैं वो भी कर सकते हैं आप हमने नहीं माना बाद में मान लेंगे इंटू साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स अब हमने क्या किया कॉज वाली चीज को टी मान लिया लेट कॉज टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी जब इसको टी मानते हैं तो तरीका क्या होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इसका क्या और डिफ्रेंसिएशन माइनस टू साइन टू एक्स प्लस वन डीएक्स इज इक्वल टू डी टी हमारे पास साइन टू एक्स प्लस वन डीएक्स है तो यानी कि हम यहां पर साइन टू एक्स प्लस वन डीएक्स को माइनस डी टी बाई टू ले सकते हैं तो इसको ले सकते हैं माइनस डी टी बाई टू लिख दो सो आई इज इक्वल टू इसको आपने टी माना है ये हो गया वन माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी बाई टू माइनस बाहर कर दो तो माइनस वन पॉइंट टू बाहर हो गया अब चूंकि इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट में है तो वन का इंटीग्रल टी हो जाएगा और टी का इंटीग्रल टी क्यूब बाई थ्री हो जाएगा टी का मान रख दो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस वन पॉइंट टू टी का मान क्या आपने माना है कॉस टू एक्स प्लस वन तो ये आएगा कॉस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब बाई थ्री प्लस तो इस प्रकार से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक तो यह तरीका होता है दूसरा तरीका यह है कि इसको साइन थ्री एक्स में ब्रेक कर लो थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स और वहां से इसको इंटीग्रेट कर तो। दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं ठीक है नोट कर लीजिए मैं इसको सेकेंड मेथड से बता देता हूं अब आप कहेंगे सब मालिक कहीं पर आपने आंसर देखा ये आंसर टैली ना करे ऐसा इसमें कई केस में होगा कि हमने पूरे सिस्टम को साइन में कन्वर्ट कर लिया हमारा साइन में आंसर आ रहा है आपने कॉज में कन्वर्ट कर लिया आपका कॉज में आंसर आ रहा है किसी ने टेन में कर लिया उनका टेन में आंसर आ रहा है तो ये हो सकता है ठीक है देखिए वी नो दैट सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से लगा सकते हैं वी नो दैट वी माने आई एन यू साइन थ्री एक्स एक्स बोले तो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये पूरा थीटा है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ये हम जानते हैं हमको ये चाहिए तो इसको अलग कर लो इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा फोर साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस वन माइनस ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री तो आएगा साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री और बाद में इस फोर को अपान में कर देना और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना तो एक सेकेंड तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं आंसर टैली नहीं होगा क्योंकि हमने दूसरे मेथड में कन्वर्ट किया ना वहां पर हमने दूसरा मेथड ड्रॉप किया था इसलिए मेथड चेंज हो सकता है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसको नोट कर लीजिएगा सेकेंड मेथड से भी लगा लीजिएगा अब एग्जाम में ये डिपेंड करता है उस समय आपके दिमाग में कौन सा मेथड आता है ये डिपेंड करता है आप पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखो क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स साइन क्यूब एक्स इन टू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ये क्यूब है क्यूबे नहीं है क्यूबे एक्स क्यूब एक्स सुनो ध्यान से आप इसको हार्ट पावर आ गई ना पावर का मेरे पास तरीका है आप एक कॉज अलग कर दो जैसे हमने कहा था एक साइन अलग कर दो वैसे एक अलग कर दो ये क्यूब लिखा रहने दो अब यहां क्या बचेगा स्क्वायर एक्स इसको साइन में कन्वर्ट कर दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स वही तो लिखा हुआ है और साइन एक्स को टी मान लो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है एक तरीका हो गया दूसरा तरीका एक साइन अलग कर दो पूरा सिस्टम कॉज में कन्वर्ट कर दो कॉज को टी मान लो दूसरा तरीका हो गया तीसरा तरीका ये लिखा है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होल क्यूब टू से मल्टीप्लाई करो टू से डिवाइड करो तो वन बाई एट बार हो गया ये साइन क्यूब टू एक्स लिखा हुआ है फिर इसको साइन सिक्स एक्स में कन्वर्ट कर दो तो कई मेथड इसके हो सकते हैं फिलहाल हम सस्ता वाला मेथड आपको बता रहे हैं अब इसमें किसको टी मानेंगे साइन एक्स को टी माने तो इसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है मान लीजिए लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इसको डायरेक्ट डी टी कर सकते हैं सो आई इज इक्वल टू इंट्रीगल टी क्यूब वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी इसको ब्रैकेट खोल दो तो टी टू पावर क्यूब माइनस टी टू पावर फाइव डी टी इसको इंट्रीगेट करेंगे तो टी क्यूब का इंटीरियल क्या आएगा टीट पावर फोर बाई फोर माइनस टीट पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी टी का मान रख दो आपने क्या माना है साइन एक्स तो आएगा ये साइन टू पावर फोर एक्स बाई फोर माइनस साइन टू पावर सिक्स एक्स बाई सी आंसर चेंज हो सकता है अगर मैं पूरे सिस्टम को कोज में कन्वर्ट करता और एक साइन अलग कर देता और कॉज को टी मानता तो मेरा आंसर कॉज में आता ठीक है थी? तो आंसर चेंज हो सकता है इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्वेश्चन कह रहा है आई इज इक्वल टू साइन साइन X एक्ट साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स अभी थोड़ी देर पहले आप लगा चुके हैं कॉज एक्स वाला यहां साइन मिंटो में आ गया तो इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा देखिए नाउ हमने क्या किया साइन एक्स साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स में किन्हीं दो को एक साथ कर दिया हमारी मर्जी जो इसको चाहे कर सकते हैं टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू से डिवाइड कर दिया हमने यहां नहीं किया यहां कर दिया तो वन बाई टू यहां पर लगा दिया टू साइने साइन बी टू साइने साइन बी टू a साइन बी का फार्मूला होता है हम नहीं बताएंगे बता देते हैं आप देखिएगा नहीं ऐसे बता रहा हूं कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी ये फार्मूला होता है तो ये क्या हो जाएगा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी और ये साइन थ्री एक्स ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसको खोलते जाएंगे और साइन थ्री एक्स को अंदर ले आएंगे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे वन बाई टू साइन ये माइनस एक्स होगा और साइन माइनस सॉरी कॉज माइनस एक्स होगा और कॉज माइनस थीटा होता है प्लस कॉज थीटा तो यह कॉज एक्स हो जाएगा और ये साइन थ्री एक्स अंदर आ गया साइन थ्री एक्स और माइनस कॉस थ्री एक्स हो जाएगा इन टू साइन थ्री एक्स अब यहां टू से मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया और यहां टू से डिवाइड कर दिया तो ये वन बाई फोर हो गया वन बाई फोर यहां टू कॉज ए साइन बी या टू साइन ए कॉज बी जो चाहे आप लगा दे हम टू साइन ए कॉज बी लगाए दे रहे हैं हम ऐसा करते हैं साइन थ्री एक्स पहले लिख देते हैं और कॉज एक्स बाद में कर देते हैं टू साइन ए cos बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अब जरा यहां देखिए मत लगाइएगा अगर थ्री एक्स को ध्यान से देखें अगर इसको मन में थीटा मान ले तो टू साइन ए कॉज ए साइन टू ए का फॉर्मुला लिखा हुआ है तो ये साइन सिक्स एक्स डायरेक्ट हो जाएगा साइन सिक्स एक्सप्री तो ये क्या हो गया वन बाई फोर ये हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स अब आपने देखा कि इसकी वैल्यू अलग अलग जाके ये लिखी हुई है तो इसको उठा के यहां रख दो सो आई इज इक्वल टू नोट कर लीजिए इसको नोट मतलब समझ के सो आई इज इक्वल टू वन बाई फोर बाहर हो गया ये हो गया साइन फोर एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स डी एक्स अब हम पढ़ चुके हैं साइड एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज एक्स और अगर ए एक्स है तो वन अपान ए बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपान फोर यह जाएगा माइनस कॉज फोर एक्स बाई फोर माइनस कॉस टू एक्स बाई टू माइनस प्लस हो जाएगा कॉस सिक्स एक्स बाई सी इस प्रकार से ये इंटीग्रल है दिस इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स नोट कर लीजिए इसको इसको पॉज करके नोट करिएगा सोच रहे होंगे नोट करिए कहने बार अब कर दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन था अपने आप करेंगे सेवेंथ आप सेल्फ करिए क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी अपने आप करिएगा एट्थ क्वेश्चन देखिएगा एट्थ कह रहा है आई इज इक्वल टू वन माइनस कॉज एक्स अपॉन वन प्लस कॉज एक्स अगर आपने कॉज टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कॉज टू एक्स के तीन फॉर्मूले थे एक फॉर्मूला था वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स एक था टू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस वन जब यहां पर टू एक्स था जब यहां एक्स हो जाएगा तो यहां एंगल आधा हो जाएगा का सबसे बड़ा दुश्मन वन होता है अगर वन के साथ कॉज कहीं पर आएगा तो कॉज उसको दौड़ा के मारता है यानी कॉज फट से उसको कैंसिल कर देगा तो यहां फॉर्मूला क्या लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वन को कैंसिल करने के लिए ठीक है अब आप कहेंगे सब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे कर सकते हैं आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर, दी, कर दीजिए डिनोमिनेटर को गायब कर दीजिए उस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं और यहां पर ये हो जाएगा वन प्लस टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन वन इज द इनमी ऑफ कॉज ये वन से वन कैंसिल हो गया इस ब्रैकेट को खोलेंगे टिवी वन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू ये वन से वन कट गया टू से टू कट गया ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अब प्रॉब्लम ये है कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता और इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रल होता है उसी का होता है अगर फंक्शन चेंज है तो उसका इंटीग्रल नहीं होगा तो जब टेन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है तो टेन स्क्वायर का कोई रिश्तेदार है जो इंटीग्रेबल हो तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर के साथ होती है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन ये लिखा जा सकता है स्क्वायर थीटा थीटा अब यहां इंटरगल कर सकते हैं देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटरगल क्या होता है टेन एक्स मालूम है एक्स की जगह अगर ए एक्स आता है तो वन पानी बाहर होता है एक एक जगह वन बाई टू है तो टू बाहर हो जाएगा टेन एक्स बाई टू वन का एक्स प्लस तो ये आपका इंटीग्रल इसका हो गया ये एट्थ क्वेश्चन है अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आई इज इक्वल टू इंट्रीगल कॉजेक्स अपॉन वन माइनस वन प्लस कॉज एक्स कॉजेक्स अपॉन वन प्लस कॉजेक्स जरा थोड़ा दिमाग लगाइएगा आपने कहा वन इज द इनमी ऑफ कॉज कॉज का सबसे बड़ा दुश्मन वन होता है कॉज का वो फॉर्मला जो वन को कैंसिल कर दे लेकिन लफड़ा ये है कि यहां पर भी कॉज है यहां पर भी कॉज है यहां तो वन कट जाएगा ऊपर हम क्या करेंगे अगर ध्यान से देखिए आप अगर आप यहां प्लस वन कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा कर दीजिए लेकिन अपने घर की खेती ना जाओ प्लस प्लस कर दो, तो प्लस वन करोगे तो करोगे माइनस भी करना पड़ेगा तो हमने यहाँ एक टेक्निक लगाई, इस को ऊपर के कॉज वन वन तो का, का काम खत्म हो गया अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये वन अलग हो गया और माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉज एक्स अब यहां पर आप दुश्मन ही लगा सकते हैं कॉज एक्स का दुश्मन वन तो ये वन का एंट्री एक्स कर दीजिए और इसका देखिए इसमें हमने क्या कर दिया वन प्लस टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करके भी अलग अलग कर सकते हैं आप ठीक है ये वन वन कट गया डीएक्स ये एक्स माइनस ये वन बाई टू बाहर ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा डीएक्स तो ये हो गया एक्स माइनस वन बाई टू इसका टू इंटू टेन एक्स बाई टू और प्लस सी टू टू कट गया तो इंटीग्रल क्या आपका आ गया एक्स माइनस प्रकार से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करके वन माइनस कॉजेक्स से वैसे भी चेंज किया जा सकता है मतलब इंटीग्रेबल हो कहीं से भी हो ये आपकी जिम्मेदारी है नोट कर लीजिए इसको दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ देखिए अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर टेंथ है आपका I इज इक्वल टू इंट्रीगल साइंट पॉल फोर एक्स डी एक्स अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉज स्क्वायर एक्स का इंट्रीगल जब भी होगा उसको कॉज टू एक्स में ब्रेक करना ये आप जानते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए ना तो हमने इसको क्या किया इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया टेक्निक लगानी पड़ेगी क्योंकि हमको मल्टीपल ऑफ एंगल में तो चेंज कर सकते हैं अब इसको तो फार्मूला साइन वाला होता है, वो था वन एक्स। तो जहां है वहां क्या हो जाएगा वन माइनस कॉज टू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अब इसका होल स्क्वायर खोलो ये वन बाई फोर बाहर करेंगे तो आएगा वन प्लस कॉज स्क्वायर टू एक्स माइनस टू कॉज टू एक्स अभी अगर मैं इंटीग्रल करूं तो इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा इसका फिर नहीं होगा कॉज स्क्वायर फिर आ गया फिर कॉज टू एक्स ब्रेक करेंगे और यहां एंगल ऑलरेडी टू एक्स है तो हम फार्मूला किसका लगाएंगे कॉज फोर एक्स का क्योंकि जो भी यहां एंगल होता है उसका एंगल यहां आधा हो जाता है हमको टू एक्स चाहिए तो हमको फोर एक्स लेना पड़ेगा ना इसका फॉर्मूला क्या होता है टू कॉज स्क्वायर टू एक्स माइनस वन तो जहाँ पर कॉज स्क्वायर टू एक्स है वहाँ वन प्लस कॉज फोर एक्स बाई टू हो जाएगा यार तो उठा करके तो वन बाई फोर वन प्लस वन प्लस कॉज फोर एक्स बाई टू माइनस टू कॉज टू एक्स अब ये उठा के थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं इसको ट्वेल्थ से ले लो तो वन बाई एट बाहर हो जाएगा यह आएगा टू प्लस वन प्लस कॉज फोर एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स ये थ्री हो जाएगा अगले स्टेप में अब इसको उठा के गया रख दो इंटीग्रेट कर दो सो आई इज इक्वल टू देखो इसको क्या लिखेंगे वन बाई एट बाहर हो गया ये हो जाएगा थ्री प्लस कॉस फोर एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स डी एक्स वन बाई एट थ्री का इंटीग्रल थ्री एक्स कॉज ए एक्स का वन बाई ए साइन ए एक्स होता है तो जाएगा प्लस साइन फोर एक्स बाई फोर माइनस फोर यह साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी टू से टू कैंसिल कर दो फोर चाहो एलसीएम ले लो या मत लो कोई दिक्कत नहीं है यह आ जाएगा वन बाई एट थ्री एक्स प्लस साइन फोर एक्स बाई फोर माइनस टू साइन टू एक्स प्लस इस प्रकार तो से ये इंट्रीगेट हो जाए कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाता है कभी-कभी। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ यानी जो और यहां कॉज टू एक्स था इसलिए कॉज फोर एक्स लगाया था जो कि एंगल आधा हो जाता है ना नाउ इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर देखिए आई इज इक्वल टू इंट्रीगल टू पावर फोर टू एक्स अब फिर गड़बड़ हो गया पावर फोर हो गई तो देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा इसको कॉज स्क्वायर टू एक्स का होल इसको ले सकते हैं अब चूंकि कॉज स्क्वायर टू एक्स चाहिए इसको कॉज टू एक्स में ब्रेक करिएगा यहां टू एक्स है तो फॉर्मुला क्या लगाएंगे कॉज फोर एक्स का क्या होगा टू कॉज स्क्वायर टू एक्स माइनस वन तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं वन प्लस कॉज फोर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर चेंज कर दिया हमने इसको जब खोलेंगे तो वन बाई फोर बाहर हो जाएगा वन प्लस कॉज स्क्वायर फोर एक्स प्लस टू कॉज फोर एक्स फिर आ गया कॉज स्क्वायर फोर एक्स तो इसको कौन सा लगाएं फॉर्मुला यहां पर कॉज एट एक्स कर दें टू कॉज स्क्वायर जो एंगल होता है उसका एंगल वहां आधा हो जाता है तो यहां हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन इसको क्या लिखेंगे one by four, one plus, इसको क्या लिखा जाएगा लीजिएगा तो ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा टू प्लस वन थ्री तो आएगा थ्री प्लस कॉस एट एक्स प्लस फोर कॉस फोर एक्स और बाई टू आएगा बाहर तो एट बन जाएगा ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन हो गया उठा करके इसको उठा के यहां रख दो सो आई इज इक्वल टू ये बाई एट बाहर इंटीग्रल किसका होगा थ्री प्लस कॉस एट एक्स प्लस फोर कॉस फोर एक्स डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए उठा करके <coughs> जब इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई एट बाहर हो गया थ्री का इंटीगल थ्री एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स नहीं साइन तो इसका प्लस फोर साइन फोर एक्स बाई फोर प्लस सी फोर कट जाएगा ये आपका आंसर होगा तो दिस इज क्वेश्चन नंबर एलेवन नोट कर लीजिए इसको इसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपान वन माइनस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर स्क्स अपन वन माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स वन प्लस कॉज एक्स सॉरी वन प्लस कॉज एक्स डी एक्स देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का कॉज स्क्वायर से रिलेशन होता है तो हमने जानबूझ के चूंकि नीचे वन प्लस कॉज एक्स लिखा हुआ है तो हमको इस, इसको लिख दिया वन माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स और ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दो अब आप कहेंगे मेथड क्या होता मेथड कोई नहीं इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है आपको इंटीग्रेबल करने के लिए सर्च करना पड़ेगा तो इसको वन प्लस कॉजेक्स एक ब्रैकेट में वन माइनस कॉजेक्स एक ब्रैकेट में अपॉन वन प्लस कॉजेक्स डीएक्स ये कट जाएगा तो ये आ गया वन प्लस कॉजेक्स वन माइनस कॉजेक्स डीएक्स इसको इंटीग्रेट कर दो वन का एक्स कॉज एक्स का साइन एक्स प्लस सी इस प्रकार से बारह क्वेश्चन लगाइएगा नेक्स्ट बार आई नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू